बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भारत सरकार के गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी, सभागार में मौजूद मेरे सभी सम्मानित कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री श्री अमित भाई ने आज का जो यह कार्यक्रम हो रहा है उसके उद्देश्य के बारे में विधिवत आपको जानकारी दी है। आप सभी जानते हैं हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि नेताओं की कथनी और करनी, नेताओं की वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम हुआ है। भारत की राजनीति में इसके पहले नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण जो विश्वास का संकट पैदा हुआ था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो पैदा हुई थी, उस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता के संकट को किसी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस चुनौती के रूप में स्वीकार किया। कोई यह कह सकता है कि अपना प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी प्रशंसा में मैं बात कर रहा हूं। बहनों भाइयों, प्रशंसा में बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी सरकारों को इस आजाद भारत में काम करते हुए आपने भी देखा है, हम लोगों ने भी देखा है। जब से मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, गुजरात राज्य में जो मुख्यमंत्री रहे उस समय की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2014 में जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। जब हमारा चुनावी घोषणा पत्र बन रहा था उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार यह कहा कि अध्यक्ष जी, इस बात की सावधानी बरतिएगा कि चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा जाए उसका हम अक्षरशः पालन कर सके। और 2019 में भी चुनावी घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी आपने मेरे ही कंधों के ऊपर दी थी और इस बार भी के चुनाव में भी वह जिम्मेदारी आपने मेरे कंधों के ऊपर दी। बार बार आपका यह आग्रह रहा है घोषणा पत्र संभल कर बनाया जाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हम कह रहे हैं हम उसे पूरा न करें। यानी हमारे कथनी और करनी, हमारे वर्ड्स और डीड्स, हमारे कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो राजनीतिक पार्टी केवल इस दुनिया की सबसे बड़ी ही राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि सबसे क्रेडिबल, सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। और मैं कार्यकर्ता बहनों भाइयों, यह भी आपको बताना चाहूंगा, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता भी यह मानते होंगे, जैसे अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे जैसे भी हो हमारी सरकार बननी चाहिए, उनका यह उद्देश्य हुआ करता है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। बहनों भाई, भारतीय जनसंघ के रूप में जिस समय हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी, तब से लेकर आज तक जिस विचारधारा को, जिस दार्शनिक अवधारणा को उस समय हम लोगों ने स्वीकार किया, जिस आइडियोलॉजी को स्वीकार किया, निरंतर उस पर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रंश मात्र भी हमारा डेविएशन उससे नहीं हुआ है। यदि हम कहते हैं कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि समाज बनाने के लिए, देश बनाने के लिए कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं?
क्यों हमारी विचारधारा जो है वह विचारधारा, वह हमारी दार्शनिक अवधारणा, वही हमको संदेश देती है, वही हमको यह प्रेरणा देती है कि हमको इस प्रकार की राजनीति करनी है कि हर व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो, हर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति हो। हम ऐसी सरकार देना चाहते हैं इस देश में। और अपनी ही दार्शनिक अवधारणा में, दार्शनिक अवधारणा देने वाले हमारे स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था,